हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कल हम लोग क्या देखे थे, HTML के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। आज क्या देखेंगे, उसके आगे के स्टेप्स देखेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, टैग्स की। HTML में जो टैग यूज किया जाता है, उस टैग को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, किस स्टेप में यूज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको बाइक चलाना है तो आप क्या कहते हो, अगर आपको बाइक चलाना है, ये बाइक है, ठीक है, ये बाइक है आपका। अगर आपको बाइक चलाना है तो आप क्या कहते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, चाबी डालोगे, ठीक है, बाइक का चाबी डालोगे। बाइक का चाबी डालने के बाद आप क्या करते हो, किक मारोगे। किक मारोगे, किक मारने के बाद आप क्या करोगे, किक मारने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, उसके बाद गियर डालोगे, ठीक है। किक मारने के बाद आप पहले गियर डालेंगे, गियर डालने के बाद एक्सीलेटर लेंगे। मतलब चार स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पहले चाबी डाल दें, ठीक है, चाबी डालने के बाद आप किक मार के स्टार्ट कर रहे हैं। किक मार के स्टार्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, गियर डाल रहे हैं। गियर डालने के बाद आप एक्सीलेटर लेते हैं, तब गाड़ी आगे बढ़ता है। कुछ इसी तरह वर्क करता है HTML भी, कुछ इसी तरह वर्क करता है HTML भी। क्या वर्क करता है कि हमको पहले क्या करना पड़ता है, चाबी डालना पड़ता है। चाबी डालने के बाद किक मारना पड़ता है, किक मारने के बाद फिर गियर डालना पड़ता है। गियर डालने के बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी तरह प्रोग्रामिंग किया जाता है किसमें, HTML में। HTML में पहले टैग डालना पड़ता है, चार टैग आता है HTML के। कौन से चार चार टैग, देखिए, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। ये चार टैग होते हैं जो कंपलसरी कंपलसरी हर प्रोग्रामिंग में यूज किए जाएंगे। कंपलसरी है ये, क्योंकि गाड़ी जब चलाना है आपको तो पहले उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ये तो कंपलसरी है, बिना आप चाबी डाले, बिना किक मारे, बिना गियर डाले और बिना एक्सीलेटर लिए हुए आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। उसी तरह आपको अगर कोडिंग करना है HTML में, तो बिना ये चारों टैग का यूज किए हुए, बिना चारों टैग का यूज किए हुए आप कभी भी कोडिंग नहीं कर सकते हो HTML में, ठीक है। ये बेसिक नीड्स है आपका, ये पहला कर्तव्य बनता है आपको कि ये स्टेप आपको पहले फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये टैग आपको इसको डालना ही पड़ेगा, तब आपका प्रोग्राम जाके रन होगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या है ये, कैसे यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, ठीक है। HTML हम लोग कल पढ़ चुके थे विस्तार से कि HTML क्या होता है, जो वेब पेज को डिजाइन करने का काम करता है उसे कहते हैं HTML, ठीक है। अब हमको नहीं लगता कि बच्चे बच्चे को पता नहीं होगा कि क्या होता है वेब पेज। अरे इंटरनेट के बादशाह आप लोग, आप हर किसी को पता होगा कि क्या होता है वेब पेज, कैसे यूज किया जाता है। हर वेब पेज आप लोग चलाए होंगे, हर किसी का FB में अकाउंट होगा, हर कोई इंस्टा चलाता होगा, हर कोई रील्स देखते होंगे। तो वो सब वेब पेज कैसे बनते हैं, जितने भी आप वेबसाइट यूज करते हो, तो जितने भी आप फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट निकलते हैं, तो उन सारे वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है HTML का यूज करके, उन सारे वेबसाइट को बनाया जाता है किसका यूज करके, HTML का, ओके। तो HTML में सबसे पहले क्या आता है, टैग आता है। क्या आता है, टैग। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, वही इसी तरह टैग आता है। टैग क्या होता है, टैग ये होता है टैग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग। पहले आप टैग समझ लीजिए, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल को ही टैग बोलते हैं। ये टैग है, इसके बीच में कुछ लिखा जाता है और ये दोनों टैग है, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है। क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग इस टाइप से होता है। क्लोजिंग टैग इस टाइप से होता है, मतलब ग्रेटर देन स्लैश, उसके बीच में कुछ लिखाएगा, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा स्मॉलर देन से, ठीक है। तो ये होता है टैग, इसे कहते हैं टैग। ये क्या होता है, ये ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोज टैग है। ये क्या है, क्लोज टैग है, ओके। ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। वही यहाँ बोला गया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग है। यहाँ पे दो प्रकार के टैग है, कौन कौन से, ये ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग करने का काम करता है, ये क्लोजिंग टैग है। जैसे कि आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो जब गाड़ी आप चला लेते हो तब गाड़ी को बंद भी करते हो ना। जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आप जहाँ का आपको जहाँ जाना है आप वहाँ चले गए। आप गाड़ी स्टार्ट की, आपको जहाँ जाना था वहाँ चले गए। उसके बाद गाड़ी यहाँ पे आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी का काम खत्म हो गया। उसी तरह हम HTML में टैग ओपन करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो जिस टैग को आप ओपन किए उस टैग को आप क्लोज भी करते हैं। जिस काम को आप स्टार्ट किए उसको क्लोज करके फिनिश करते हैं। इसलिए इसमें कोडिंग बहुत अच्छे से बताया जाता है। HTML का कोडिंग बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर वेब पेज आपको डिजाइन करना है तो। ये बेसिक क्लास से आपको पढ़ाया जाता है, 7, 8, 9, 10, 10 में तो इसका एग्जाम भी होता है अच्छे तरह से। तो ये आपको बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, तो हमको नहीं लगता कि आपको इसमें जरा सा भी दिक्कत होगा। और मैं उसको और इजी वे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो। आप बस यहाँ बने रहिए, आपको इतनी अच्छी तरह से आपको टैग लैंग्वेज बताया जाएगा, आपको HTML अच्छे से बताया जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो टैग हम लोग समझ गए, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है। जब ओपन करना रहता है तब ओपनिंग टैग का यूज करेंगे, जब किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना रहता है तब क्लोजिंग टैग का यूज करेंगे, ठीक है।
टैग समझने के बाद अब क्या समझेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, HTML टैग। HTML टैग क्या होता है, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज को ओपन करते हैं। HTML टैग का यूज करके हम लोग वेब पेज को ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट इज यूज टू ओपन द वेब पेज। HTML टैग का यूज करके वेब पेज को ओपन करते हैं, जैसे इसको हम लोग ओपन करेंगे उसी तरह इसको क्लोज भी करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं, ग्रेटर देन स्लैश यूज करके HTML लिख के उसके बाद इसको स्मॉलर देन से क्लोज कर देते, जैसे इसको ओपन किए हैं उसी तरह इसको क्लोज भी किया जाता है। ठीक है, हर टैग जैसे ओपन हुआ उस टाइप से आपका क्लोज भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, हेड। हेड मीन्स व्हाट, हेड टैग का क्या यूज होता है, इट इज यूज्ड टू राइट द हेडिंग नेम। अगर आपको हेडिंग नेम लिखना है अपने वेब पेज में, अगर आपको हेडिंग नेम लिखना है अपने वेब पेज में, तो किस टैग का यूज किया जाता है, हेड टैग का यूज किया जाता है। और हेड टैग जिस तरह आप उसको ओपन करेंगे उसी तरह आप उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर आपका प्रोग्राम रन होगा। जब तक आप इसको ओपन करिएगा उसी तरह आपको इसको ओपन करने के बाद आपका जो वर्क है वो कंप्लीट करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका वर्क किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, टाइटल। टाइटल टैग का क्या यूज होता है, टाइटल टैग का यूज किया जाता है किसी भी वेब पेज में टाइटल देने के लिए। क्या देने के लिए, इट इज यूज टू राइट द टाइटल नेम। इसका यूज किया जाता है क्या कहने में, टाइटल नेम देने के लिए। क्या देने के लिए, टाइटल नेम देने के लिए। आपका आपका प्रोग्राम बना दे उसमें आपको टाइटल देना है। टाइटल इज सिंपली व्हाट, अगर आपको कुछ वेबसाइट जो आप बना दे उस वेबसाइट का नाम है जैसे www.computerwarriors.com। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टाइटल हो गया। या फिर आप सिंपली कंप्यूटर वॉरियर्स भी लिख सकते हैं, ये भी आपका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप टाइटल कह सकते हैं, जो आपका क्या करेगा, वेबसाइट का काम करेगा। क्या करेगा, वेबसाइट का काम करेगा। जैसे अगर आप टाइटल टैग ओपन करेंगे उसी तरह टाइटल टैग को क्लोज भी करना पड़ता है, तब जाके प्रोग्राम वर्क करता है। उसके बाद क्या आता है, बॉडी। क्या आता है, बॉडी टैग। बॉडी टैग को आप जैसे ओपन करेंगे स्लैश देके उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, स्लैश देके उसको क्लोज भी करेंगे। अब बॉडी टैग क्या करता है, बॉडी टैग का काम क्या है, अगर आप जो वेब पेज बना रहे हो उसमें अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना है या किसी बैकग्राउंड को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, बॉडी का। अगर आपको उसको कलर इंसर्ट करना है, मेरा जो वेब पेज है ये मेरा वेब पेज है, ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है, कलर इंसर्ट करना है, कलर इंसर्ट करना है कि इसमें बैकग्राउंड में, तो उसके लोग क्या यूज करेंगे, बॉडी टैग का यूज करते हैं। अगर कोई इमेज भी हमको अगर इंसर्ट करना है अपने वेब पेज में, तो उसके लिए भी किसका टैग का यूज किया जाता है, बॉडी टैग का। ठीक है, क्या बोलता है, इट इज यूज टू फिल द कलर एंड व्हाट, इमेज। इसका यूज किया जाता है कलर फिल करने के लिए, इमेज इन वेब पेज बैकग्राउंड। किसमें, वेब पेज बैकग्राउंड। बॉडी का यूज किया जाता है कलर फिल करने में और इमेज फिल करने में, किसमें, वेब पेज के बैकग्राउंड में। जैसे आप बॉडी को ओपन करेंगे उसी तरह इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये क्या थे, ये चार बेसिक कमांड थे, ये चार बेसिक टैग थे जिसके मदद से आप अपने प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये नहीं डालिएगा तो आपका प्रोग्रामिंग रन करेगा ही नहीं। आई होप आप लोगों को चारों टैग समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक सिंपल एक छोटा सा कोडिंग करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग कैसे स्टार्ट किया जाता है, पहले कोडिंग क्या टैग दिया जाएगा, पहले HTML टैग दिया जाएगा, HTML टैग दिया जाएगा, इसको ओपन किए। ठीक है, उसके बाद कौन सा टैग दिया जाएगा, हेड का, HEAD हेड का टैग दिया जाएगा। ठीक है, हेड का टैग देने के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइटल, TITLE टाइटल टैग यूज करेंगे। अब टाइटल टैग में हम लोग क्या डालेंगे, या तो वेबसाइट डालेंगे या तो अपने वेब पेज का नाम डालेंगे। ठीक है, वेबसाइट हम डालते हैं www.computerwarriors.com। ठीक है, अब ये डालने के लिए टाइटल ओपन किए। ठीक है, टाइटल ओपन करने के बाद हम टाइटल क्लोज करेंगे, कैसे करेंगे, स्लैश लेके टाइटल क्लोज करेंगे। टाइटल क्लोज करने के बाद हम लोग क्या क्लोज करेंगे, हेड को भी क्लोज कर देंगे। किसको क्लोज कर देंगे, हेड को भी क्लोज कर देंगे। अभी बॉडी का हमको काम नहीं है, अभी हमको बॉडी का काम नहीं है, अभी कोई बैकग्राउंड कलर नहीं डालना है, ना ही कोई इसको इमेज डालना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी बॉडी टैग का यूज नहीं कर रहे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमको जो भी टाइटल डालना है, जो भी हेडिंग डालना है अपने वेब पेज में, तो वो हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेडिंग, कंप्यूटर वॉयस हमारा क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा। हेडिंग डालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए HTML हम लोग ओपन किए, उसको क्लोज नहीं किए हैं, हेड को ओपन किए, हेड को क्लोज कर दिया, टाइटल को ओपन किए, टाइटल को क्लोज कर दिया, तो हम लोग क्या लास्ट में क्लोज करेंगे, HTML हमारा बच गया, तो HTML को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये सिंपली हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसको अगर हम जब रन करवाएंगे, इसको सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे, इसको Ctrl+S इसको सेव करेंगे, और फाइल नेम क्या लिखेंगे, कुछ भी आपका, जैसे कंप्यूटर वॉरियर्स रहेगा .html, ये आपका सफिक्स, जैसे मैंने बताया था, ये आपका
क्या बन जाएगा, नेम बन जाएगा आपका, वेब पेज का नाम बन जाएगा क्या, computerwires.html। उसके बाद इसका आप क्लिक करिएगा तो ये कैसे रन होगा, जब आप इसको क्लिक करिएगा तो ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, वेबसाइट का नाम आएगा, वेबसाइट क्या आएगा, www.computerwires.com, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और आपका हेडिंग क्या आएगा, हेडिंग क्या आ जाएगा, कंप्यूटर वॉरियर्स, ठीक है, कंप्यूटर वॉरियर्स आपका क्या आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा मैंने, पहले तो टाइटल मैंने लिखा, टाइटल क्या आ गया मेरा, कंप्यूटर www.computer.com। उसके बाद सेकंड मैंने क्या लिखा, हेडिंग लिखा, हेडिंग क्या लिखा मैंने, कंप्यूटर वॉरियर्स लिखा। जब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ हमारा रिजल्ट इस टाइप से आएगा। जब मैं अपने प्रोग्राम को, इस छोटे से प्रोग्राम को, ये मेरा प्रोग्राम छोटा सा ही है, ठीक है, आज पहला क्लास है तो छोटा सा ही प्रोग्राम बता रहा हूँ। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये किस टाइप से रन होगा, इस टाइप से दिखेगा, कुछ जैसे कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा कुछ इसी टाइप से दिखेगा। तो रिजल्ट कैसे दिखा आपको पता चला, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है, थैंक यू।